हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमारा पार्ट 13 है और इससे पहले मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, क्योंकि सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी इजी ट्रिक्स से बताए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 36 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर 6 दिनों में 120 मीटर सड़क बनाते हैं। यदि निर्माण कार्य 6 व्यक्ति और जुड़ जाए, कार्य करने में 4 घंटे प्रतिदिन बढ़ा दिए जाएं और 9 दिन अधिक कार्य हो तो सड़क की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बतलाया है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबको ऊपर लिखते हैं और बाकी जो काम होता है केवल काम को नीचे लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा, 36 व्यक्ति, तो यहाँ पे 36 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करके, तो 8 घंटा ऊपर हो गया गुना 6 दिन में, यानी कि 6 ऊपर, और यहाँ पे 120 मीटर सड़क बनाते हैं। सड़क बनाते हैं यानी कि ये हो गया काम, 120 मीटर यानी 120 हो गया नीचे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि निर्माण कार्य में 6 व्यक्ति और जुड़ जाएं। तो देखिए, 6 व्यक्ति और जुड़ जाए, पहले 36 था, अब 6 व्यक्ति और जुड़ जाए कहा है, तो यहाँ पर 36 और 6 42 व्यक्ति अब हो गए गुणा, उसके बाद क्या कहा, जुड़ जाए कार्य करने के घंटे 4 घंटे प्रतिदिन बढ़ा दिए जाए, यानी पहले से 8 घंटा था, अब 4 घंटे और बढ़ा दिए जाए, तो 8 4 12 हो गया गुना बढ़ा दिए जाए, और 9 दिन अधिक कार्य हो, पहले 6 दिन लगा था, अब 9 दिन अधिक का है, तो 9 6 15 हो गया, 15 दिन हो गया। तो सड़क की कुल लंबाई क्या होगी, यानी कि ये पूछा है काम। तो देखिए, काम नहीं दिया तो एक्स मान लिए, तो देखिए यहाँ से अब बस हमको कट करना है, वही हो गया आंसर, यानी कि बात यहाँ 36, फिर यहाँ से हो गया क्या, 3 से हो गया 40 बार में, 8 से 5 बार में, 6 से 7 बार में, अब हो गया क्या, अब गुना करना है, 15 7 105 गुने 5, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 525 मीटर। चलिए, यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 कार एक स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि दूसरी कार में यात्रा में पहली कार की तुलना में 5 घंटे कम लेती है तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कम या अधिक जो बोलेगा इसका मतलब होता है कि अंतर दिए हुए है, यानी अंतर दिया तो अंतर दे दिया है समय का अंतर, तो हम लोग समय पे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे दूरी हम लोग मान लेंगे एक्स, दूरी निकालना है तो देखिए समय भाव क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी एक्स और बटा में चाल फर्स्ट का कितना है 45 किलोमीटर, माइनस दूसरे का दूरी एक्स है और चाल तो 60 है, 60 दोनों का अंतर कितना दिया है 5 घंटा, यानी 5 बार कर देंगे, यहीं से हो जाएगा। देखिए, इसका एलसीएम हो गया 180 और ये हो गया 45 से 4 बार में, तो 4x और माइनस 60 से 3 बार में 36 18, यानी कि 3x इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ से घटेगा तो x बटा में 180 बराबर 5, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 98 95 यानी 900 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, मनीष अकेले एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है और अनिकेत उसी काम को अकेला 75 दिनों में कर सकता है,
विजय की मदद से वे तीनों मिलकर उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को विजय अकेले समाप्त करने में कितना दिन लगे? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 60 दिन में समाप्त कर सकता है कौन? मनीष। यानी कि 60 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 1/60 करेगा काम। उसी तरह इसका दिए हुए है अनिकेत का 75, यानी कि 1/75। और उसी तरह ये 25 दिन में तीनों मिल के कहा है, यानी इसका नहीं दिए हुए है विजय का तो एक समान लें, और तीनों मिल के कितना कहा है? 1/25। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में है उधर जाके सब माइनस में होगा, यानी कि 1/x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1/25 माइनस 1/60 माइनस 1/75। तो देखिए सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 25, 60, 75 का एलसीएम इसका हो जाएगा 300। तो 25 से 300 कितने बार में जाएगा? तो 25 से 50 12 बार में, माइनस 60 से 6, 5, 30 यानी 5 बार में, माइनस 75 से 4 बार में, यानी कि हो गया 12 माइनस 5, 4, 9 9 में से 12 में से 9 गया तो 3/300, ये हो गया 3 से 100 बार में। यानी कि विजय कर सकता है, विजय अकेले कर सकता है कितने दिन में? 100 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा, एक आयताकार, ये भी VVI है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक आयताकार लॉन 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ना? तो इसके लिए देखिए आयत में कभी भी क्या होता है फॉर्मूला, इसका आयत में रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 2x यानी कि जो यहाँ पे रास्ता का लंबाई चौड़ा जो दिए हुए हैं, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 और x के वैल्यू हम क्या बताएं अभी, 1 मीटर यानी कि जो रास्ता का लंबाई चौड़ाई जो दिए हुए है वही होता है x का वैल्यू, 2 × 1, लंबाई क्या दिया है 80 और चौड़ाई 50 और प्लस 2x यानी कि 2 × 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 × देखिए तो 8 × 5 = 13 यानी 130 और 2 = 132 यानी कि 132 × 2 = 264 मीटर स्क्वायर, या उसी को स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। यदि रास्ते का, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है देता है कि अंदर में रास्ता बना हुआ है, अंदर से रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो जब अंदर से बोलेगा तो यहाँ पे प्लस की जगह केवल माइनस होगा, यदि बाहर से बोलेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्लस लेकर ही चलते हैं जनरली हम लोग। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो यदि दोनों साथ काम करें तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन से कि 1/3 भाग को 6 दिन में, यानी कि ए का दिया हुआ है ना, ए का दिया हुआ है कि 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, एक भाग 36/18 दिन में, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया 18। बी उसी तक, बी तो दिया हुआ है 24 दिन,
अब क्या कहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में कहेंगे, तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 18 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 72 हो जाएगा। यानी कि या इसका काम क्या हो गया, 4, इसका 3। यानी कि दोनों 7 कह रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 4 3 7 काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में 7 काम, तो 72 काम इसको करना है। तो कितने बार में करेंगे, तो 72 से 7 में भाग दे देंगे, 72 से 7 में डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 70 और 2 72 7, यानी 10 सही 2/7, 10 × 2/7 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 66 है। तो यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 40 विद्यार्थियों है टोटल कक्षा में, तो यहाँ पर लड़की और लड़कों का अनुपात यह है 2:3, यानी कि 2 और 3 मिला के 40 है। यानी कि यहाँ पे यदि x हम मानते हैं तो 2x और 3x हो गया, तो 2 3 5x पर क्या हो जाएगा, 5x, इसी का वैल्यू दिया है 40, 5x। यानी कि टोटल जो बच्चे हैं लड़की लड़का दोनों मिला करके वो हैं 40, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 5x हो गया, तो 8, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 8। तो यदि हम लड़का निकालते हैं, लड़का यानी बॉय, बॉय का तो 2x है, यानी कि 2x यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × x का वैल्यू 8 आ गया है, तो 8 × 2 = 16 लड़का, तो लड़की क्या हो जाएगी, सो चौ यहाँ क्या हो गया, 3x है यहाँ पे, 3 × x तो 3 8 8, तो ये 24 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 24। अब देखिए क्या कहा है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 66 है, यानी कि 40 का औसत क्या है, 66 है, तो हम 40 का योग निकालेंगे कि 40 लड़कों और लड़कियों का टोटल योग क्या है, तो 66 × 40 यानी कितना हो जाएगा, 4 × 24 = 2, 4 × 24 = 2, 26, और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए, यानी कि 40 का योग क्या है, 2640। ठीक है, उसके बाद लड़कों का औसत 60 दिए हुए हैं, तो लड़कों का औसत 60 दिए हुए हैं, यानी कि लड़का है कितना, लड़का तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, 16 है ना, तो 16 का औसत 60 दिए हुए हैं, तो यहाँ भी हम 16 का योग निकालेंगे, 16 का योग यानी लड़कों का योग निकालो है हम ना, तो लड़कों का योग तो ये कितना हो जाएगा, 16 से 60 में गुना करेंगे, तो 16 × 60 तो डायरेक्ट गुना करते हैं, 16 85 16 96 यानी 960। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो गया, लड़की का हो गया, तो देखिए यहाँ घटा लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 0 में से गया 0, गर्ल का हो गया, देखिए 0 में से 0 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ हो गया 15 में से 9 गया तो 6, सॉरी 15 में से, हाँ 15 में से 9 हो गया तो 6, ये हो गया 1, और यहाँ पर गर्ल्स का योग इतना आ गया, और गर्ल्स का यानी लड़कियों का संख्या कितना है, 24 दिए हुए है, 24 हमारा आ गया है, तो 24 से डिवाइड कर देंगे वही हमारा आंसर आएगा, तो ये हो गया 24 से 7 बार में, और 1 0 है तो 1 0 यानी कि 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था भाई फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी या वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।